हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास टेन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पॉडम, यानी पाथ ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग। इस प्रोसेस को भी हम यूज़ करके हम किसी भी एक फॉल्ट सर्किट का टेस्ट वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। जो ये हमारे पास सर्किट गिवन है, इसमें एक फॉल्ट है यहाँ पे M1 पे, सर्किट जीरो का फॉल्ट। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए, इसको एक्साइट करने के लिए हम टेस्ट पैटर्न जनरेट करेंगे। ठीक है, थ्रू द किसके यूज़ से, पॉडम के यूज़ से। चलो इसको स्टार्ट करने से पहले जो ये इनिशियलाइजिंग थी, ये मैंने लिख ली है ए बी सी डी से लेकर एल तक, जो हमारी नंबरिंग है टर्मिनल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने डी एल्गोरिथम में किया था, पीडीसीएफ जनरेट किया था, यानी जहाँ पे फॉल्ट था उसको डिस्क्रिपेंसी जनरेट किया था। हम ऐसा यहाँ पर नहीं करेंगे, हम सबसे इसमें स्टार्टिंग में ही इनपुट वैल्यूज को हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने लिख लिया असाइन 1, 2, 8, मतलब क्या किया मैंने, 1 इनपुट दे दिया ए को। ठीक है, ए को 1 इनपुट दे दिया, दे दे ए है मेरा, ए को 1 इनपुट दे दिया, बाकी सब ऐसे लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हमने ए को बन दिया, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा फॉरवर्ड आउटपुट लिख सकते हैं या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। वो क्या होगा, जैसे हमने ए को बन दिया तो ये चेक करना है कि उसके आउटपुट पे कुछ वैल्यूज आई है कि नहीं आई है। तो जैसे हमने ए को बन दिया तो बी पे तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब एल पे कोई आउटपुट नहीं आएगी, है ना। तो सेम एज इट इज हो जाएगा 1 x x x, बाकी सारी ऐसी इनिशियलाइजिंग वैल्यू हम लिख देंगे, क्योंकि ए को बन देने पे कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, फिर हम इसी के नीचे लिखेंगे असाइन B2 1, है ना। तो इसी के नीचे लिखना है वो, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, यहीं पे लिख देंगे हम असाइन 1, 2, 3। हमने क्या किया, 1 दे दिया बी को, बी को क्या कर दिया, 1 दे दिया, ए को ए पे 1 था ही, बी पे 1 दिया 0, सॉरी एक्स इनिशियलाइजिंग वैल्यू, अब इसका फॉरवर्ड इंप्लीकेशन, इसको मैं शॉर्ट को लिख रहा हूं। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे हमने एबी को बन दिया तो देखो आउटपुट पे क्या आएगा, जैसे एबी को बन दिया आउटपुट पे देखो क्या चेंज होगा, बन आ जाएगा, है ना। आउटपुट क्या है इसका, मैंने एल से भी नोट किया तो एल आउटपुट ये इसकी, तो मैंने यहाँ पे इसको बन लिख दिया। ठीक है, और ये हमारा 1 1, तो सिर्फ यही चेंज आया इसके इनपुट पे देने से, बाकी ऐसी सारी इनिशियलाइजिंग वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे दो इनपुट वैल्यूज की हो गई। अब ऐसे हम धीरे धीरे सारे इनपुट्स पे चलेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे असाइन 1 या 0 सी पे। ठीक है, देखते हैं उसका भी, एसी के नीचे फर्दर करना है। उसके बाद क्या हमने 1, 2, 3, अगर इसमें एक चीज देखो, अगर मैंने सी को बन दिया और ऑलरेडी यहां पे 1 है, अगर नैंड गेट पे 1 1 देने पे क्या आता है, 1 1 देने पे क्या आता है, 0 आता है, जबकि 0 तो ऑलरेडी है ही, है ना। तो 0 ऑलरेडी है ही, तो हमें इसको 1 करना है ताकि डिस्क्रिपेंसी जनरेट हो, है ना। तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 0 देना, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या असाइन किया, 0 to 6, यानी ये 1 था, बी भी 1 था, सी भी 0 कर दिया, अब बाकी इनिशियलाइजिंग वैल्यू सारी ऐसे ही है, ये 1 हो गया था। ठीक है, अब इसका फिर से फॉरवर्ड इमिग्रेशन कैसे करेंगे, जैसे हमने सी को 0 दिया, सी को 0 दिया, 0 और 1 करने पर एम क्या हो जाता है, 1, एम क्या हो जाएगा हमारा 1, M1 क्या हो जाएगा, सॉरी M2 क्या हो जाएगा 1, M1 क्या हो जाएगा, इस पर डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी D। ठीक है, अब देखो जैसे ही यहां पे M1 पे डिस्क्रिपेंसी जनरेट हुआ, L1 ऑलरेडी 1 था, तो 1 और D मिलके क्या बन जाएगा, D, यानी O पे भी क्या आ जाएगा, D आ गया। ठीक है, O पे भी D आ गया, अब इस पे 1 है तो E कुछ भी हो,
चाहे ये जीरो हो चाहे वन हो, एन पे वन ही आएगा, है ना। तो एन पे भी क्या हो गया, वन। अब यहां देखो ये वन जैसे ही हुआ, ये वन इधर आया, यहाँ पे डी था, यहां से डी आया था, तो देखो डी इंटू वन का बार, डी इंटू वन का बार क्या आएगा, देखो डी इंटू वन, डी इंटू वन का बार, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डी आंसर क्या हो जाएगा, डी का बार। तो पी पे हमारा क्या आ जाएगा आंसर, डी का बार, ठीक है। थोड़ा पेन का हल्का चल रहा है। उसके बाद देखो जैसे यहाँ पे वन आया तो ये भी वन हो गया, तो ये वन हो गया, तो अब एफ की वैल्यू कुछ भी हो चाहे वन हो चाहे जीरो, क्योंकि वैल्यू भी क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, और ये एल तो वन था, ठीक है। बाकी एफ भी हमारा एक्स हो जाएगा, ई भी हमारा एक्स हो जाएगा, और सी जीरो वन एंड वन। तो देखो हमारा डिस्क्रिपेंसी आउटपुट पे आ गया, अब तो हमें अब फर्दर नीचे जाने की जरूरत नहीं है, फर्दर हमें अब ई को या एफ को वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, हमारा डिस्क्रिपेंसी आउटपुट पे आ गया। तो ये फाइनली हमारा टेस्ट वेक्टर जनरेट हो गया, ठीक है। ये हमारा टेस्ट वेक्टर है 1 1 0 x x। यहाँ पे x x का मतलब क्या है कि 1 1 0 x, यानी इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे 0 0 भी हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, और 1 1 हो सकता है, ठीक है। बाकी जो फर्दर a और b c की वैल्यू है वो 1 1 0 ही रहेगी। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इस टेस्ट इनपुट्स है, ये सारे हमारे इनपुट्स, ठीक है। तो ये ऐसे हम प्रोसेस करते हैं कोडम के थ्रू टेस्ट वेक्टर जनरेट करने के। थैंक यू।